ड्राई फ्रूट्स शरीर को सेहतमंद बनाने के साथ ही कमजोरी और बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में से एक नाम छुहारा का भी है। यह देखने में तो छोटा होता है, लेकिन गुणों के मामले इसका कोई जवाब नहीं। यही वजह है कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम छुहारे खाने के फायदे और नुकसान के साथ ही इसके गुणों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही यहां हम अपनी डाइट में छुहारा शामिल करने के टिप्स भी देंगे। अब जानते हैं छुहारे के फायदों के बारे में। छुहारे में कई प्रकार के पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। यहाँ हम उन्हीं फायदों का जिक्र करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छुहारे के गुण शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज साबित नहीं हो सकते। अब जानें छुहारे खाने के फायदे। छुहारे का उपयोग सेहत से जुड़ी किसी एक या दो बीमारियों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है। दरअसल डेट्स कई गुणों से समृद्ध होते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो सूजन की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट गुण से भी भरपूर होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लीवर टॉक्सिटी को कम कर सकता है। यही नहीं, इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रभाव कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने में मददगार हो सकता है। साथ ही इसमें एंटी डायबिटिक प्रभाव भी होता है जो मधुमेह की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। यही वजह है कि छुहारे को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। कैंसर की रोकथाम करें। छुहारा कैंसर से बचाए रखने के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। इस पर हुए एक शोध में पाया गया है कि छुहारे में एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर गुण होते हैं जो कैंसर के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही छुहारे खाने के लाभ यह भी हैं कि यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है जिससे आंत स्वस्थ बनी रह सकती हैं। साथ ही यह आंत के कैंसर, कोलन कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने का काम भी कर सकता है। हृदय रोग का खतरा कम करे। हृदय रोग को दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में हृदय रोग के जोखिमों को कम करने के लिए छुहारे का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है। इस बारे में NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध से पता चलता है कि छुहारा हृदय रोग के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एपोप्टोटिक प्रभाव पाए जाते हैं जो मायोकार्डियल डैमेज यानी दिल के दौरे को रोकने में मददगार हो सकते हैं। वहीं एक अन्य रिसर्च पेपर में बताया गया है कि छुहारा उच्च रक्तचाप की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल्स का एक तरह का प्रभाव और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है जो कार्डियोवास्कुलर रोग होने के अहम कारण माने जाते हैं। इन कारणों को कम करके छुहारे के गुण हृदय रोग का खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं। संक्रमण से राहत दिलाए। छुहारा कई गुणों से समृद्ध होता है और ऐसा ही एक गुण है एंटीमाइक्रोबियल। यह गुण न केवल संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है बल्कि उन्हें दोबारा पनपने से भी रोक सकता है। पेट की समस्या से आराम। पेट से जुड़ी समस्या किसी को भी हो सकती है। वहीं छुहारे का उपयोग पेट की परेशानी के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल औषधीय तौर पर क्लीजिंग एजेंट के रूप में किया जा सकता है जो आंतों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी डायरेहियल प्रभाव होता है जो दस्त की समस्या में मददगार हो सकता है।
इसके एंटीडिसेंटरी और लेक्सेटिव प्रभाव एस्केरिस नामक आंतों के कीड़े को मारने में मदद कर सकते हैं। वहीं शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि उल्टी और दस्त के कारण होने वाले निर्जलीकरण की समस्या के लिए भी छुहारे का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि छुहारे के पानी का अर्क पेट की हाइपर एसिडिटी के साथ साथ ब्लड एसिडिटी को कम करने में भी मदद कर सकता है। यही वजह है कि पेट की समस्याओं के लिए छुहारे के सेवन की सलाह दी जाती है। एनीमिया की समस्या में लाभकारी। एनीमिया की समस्या का मुख्य कारण शरीर में आयरन की कमी को माना जाता है। वहीं इस कमी को पूरा करने के लिए छुहारे खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल छुहारा आयरन से समृद्ध होता है। इसका इस्तेमाल आयरन सप्लीमेंट्स के तौर पर किया जा सकता है। यह बिना किसी दुष्प्रभाव के आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। यहाँ हम एक बार फिर से बता दें कि खजूर की ही तरह छुहारा भी उन्हीं पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हालांकि खजूर की तुलना में छुहारे में पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें कुछ सूखे रूप में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऊर्जा बढ़ाने में छुहारे खाने के लाभ। छुहारे की गिनती एक एनर्जेटिक फूड के तौर पर भी की जा सकती है। बता दें कि छुहारे में लगभग 70% तक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। यह आसानी से ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में पहुंच जाता है, जो शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि छुहारा शरीर को ऊर्जावान बनाने में कारगर साबित हो सकता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अक्सर लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन मसल्स मास को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। छुहारे में भी समृद्ध मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। त्वचा के लिए छुहारे के फायदे। स्किन एजिंग के कारण त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी और झुर्रीदार दिखाई देने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए भी छुहारे के साथ ही उसके बीज का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एक शोध में पाया गया कि छुहारे की बीज के अर्क में एंटी एजिंग और एंटी रिंकल प्रभाव होते हैं। यह प्रभाव स्किन एजिंग की समस्या में कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है और झुर्रियों को कम करने में मददगार हो सकते हैं। बालों को रखे स्वस्थ। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। इस समस्या में भी छुहारे का सेवन फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च के अनुसार छुहारे में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो एनीमिया को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है। इससे एनीमिया के कारण होने वाले बालों की क्षति को भी रोका जा सकता है। छुहारे खाने के तरीके के बारे में बात करें तो इन तरीकों से छुहारों का सेवन कर सकते हैं। छुहारों को साबुत खा सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर इसे मिठाइयों में शक्कर की जगह उपयोग कर सकते हैं। एक गिलास गर्म दूध में एक या दो छुहारों को डालकर सेवन कर सकते हैं। ठंडे दूध में भी छुहारा डालकर स्मूदी तैयार कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मीठे व्यंजनों में ड्राई फ्रूट की तरह भी कर सकते हैं। इसके टुकड़े करके सीरियल या मूसली में डालकर भी खा सकते हैं। कब खाना चाहिए? माना जाता है कि छुहारों का सेवन सर्दियों के दौरान ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा इसे नाश्ते में खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि इच्छानुसार किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। कितना खाना चाहिए? साबुत दो या तीन छुहारों का सेवन किया जा सकता है।
साथ ही व्यक्ति के स्वास्थ्य के आधार पर इसकी मात्रा में बदलाव हो सकता है।